बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 3 करियर एक्सप्लोरेशन, और द सब्जेक्ट नेम इज़ करियर मैनेजमेंट बाय ग्रीन हॉर्स। लास्ट लेक्चर में हमने सेल्फ एक्सप्लोरेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा, बट रादर ये कहना चाहिए लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने करियर एक्सप्लोरेशन के 1 एस्पेक्ट जिसकी हम बात करते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन, उसकी हमने बात की। जो दूसरा एस्पेक्ट हमारे पास एक्सप्लोरेशन का आता है वो है इन्वायरमेंटल एक्सप्लोरेशन। अगर हम ये कहें कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज़ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर करियर मैनेजमेंट, बिकॉज ये हमें सेल्फ की इंफॉर्मेशन देता है, रिलेटेड क्वेश्चंस रिगार्डिंग मैं कौन हूँ, व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग फॉर मी, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माय वीकनेसेस, और व्हाट आर माय इंटरेस्ट, व्हाट आर माय डिफरेंट टैलेंट्स, व्हाट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी दैट आई माइट बी पोजेसिंग। ये तमाम आंसर्स हमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन से मिलते हैं, लेकिन हम साथ ही साथ ये कहते हैं कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज ओनली हाफ ऑफ द करियर एक्सप्लोरेशन, बिकॉज दूसरा एस्पेक्ट भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। बिकॉज करियर बेसिकली सेल्फ से तो रिलेट करते हैं, लेकिन करियर मौजूद कहाँ पे है, वो किसी ऑक्यूपेशन में है, किसी जॉब में है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देता है। सो इंटरेक्शन हमें रिक्वायर्ड है वर्क एनवायरनमेंट के साथ, जहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ को एक्सरसाइज करते हैं, टैलेंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, और जहाँ पे हम अपने इंटरेस्ट को स्टिमुलेट करते हैं, मॉडिफाई कर रहे होते नज़र आते हैं। इसके अलावा वर्क एनवायरनमेंट जो है बुनियादी तौर पे डिफ़र करता है जिस हद तक हम अपने आप को कंपैटिबल समझते हैं। कंपैटिबल करना किसको होता है कि हमारे में और एनवायरनमेंट में मुमासलत आपको नज़र आए, और जो इंडिविजुअल अपनी स्पेसिफिक वैल्यूज़, इंटरेस्ट, टैलेंट्स रखता है, ही माइट बी लुकिंग फॉर द सेम लाइक एनवायरनमेंट एज वेल। सो कंपैटिबिलिटी बिटवीन द पर्सन, यानी उसके इंटरेस्ट, एबिलिटीज, प्रेफरेंसेस, टैलेंट्स, उसकी पर्सनालिटी और वर्क एनवायरनमेंट का एक जैसा होना एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं अपॉन सर्टेन टाइप ऑफ जॉब आउटकम्स। वो जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन है, हमारे पास इंगेजमेंट के डिफरेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं, हमारा सिटीजनशिप बिहेवियर है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तमाम फैक्टर्स इस तरह से आपको इन्फ्लुएंस होते हुए नज़र आते हैं। अगर हम फोर्सेस और फैक्टर्स की बात करें तो देर आर मैनी फोर्सेज एंड फैक्टर्स जो कि आपको इन्वायरमेंट में मिलते हैं। जो कि हमारे लिए टारगेटेड पॉइंट है वो 4 डिफरेंट फैक्टर्स बनते हैं जिसको हम इन्वायरमेंटल एक्सप्लोरेशन में देखते हैं। पहली चीज़ है दैट इज़ नेम्ड एज ऑक्यूपेशन, दूसरी जॉब्स, तीसरी ऑर्गेनाइजेशंस, और थर्ड थिंग इज़ द फैमिली। बेसिक एम जो इन्वायरमेंटल एक्सप्लोरेशन का है ना, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो क्या है। एक्सप्लोरेशन का एक बेसिक एम जो आपको नज़र आता है कि हम इनफ लर्निंग अपनी जनरेट कर सकें अबाउट डिफरेंट फैसेट्स लाइक ऑक्यूपेशन, जॉब्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड अबाउट द फैमिली, ताकि हमारा जो ऑक्यूपेशनल चॉइसेस हैं वो बेहतर हो सकें, हमारे डिसीजंस उसके हवाले से बेहतर हो सकें, और हम अपनी लाइफ के बीच में उस करियर को बेहतर अंदाज में प्रोग्रेस कर सकें जो कि अल्टीमेटली उसी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता हुआ नज़र आता है। सो अभी के लिए देखते हैं कि हम जो डिसीजंस करते हैं अपने लाइफ के बारे में वो किन 4 एस्पेक्ट्स के ऊपर बेस करते हैं। सो इसी को यहीं से डिटेल में लेकर जाने की कोशिश करेंगे और इसको लार्जर से स्मॉलर यूनिट की तरफ लेकर आते हैं। लाइक व्हाट इज़ एन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में को अगर हम डिफाइन करें तो उर्दू में हम इसको कहते हैं कि ये पेशा है हमारा एक। लाइक टीचिंग इज़ एन ऑक्यूपेशन, लाइक मेडिकल में होना एक ऑक्यूपेशन आपका हो सकता है, वकील होना आपका एक ऑक्यूपेशन हो सकता है। अब डिफरेंट ऑक्यूपेशंस जो कि हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। अब उसके फैक्टर्स को देख लेते हैं कि उसमें कौन से फैक्टर्स हैं। पहले फैक्टर्स को ज़रा ज़्यादा तफसील में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बाद में कई चीज़ें आपको सिमिलैरिटी में नज़र आएंगी तो हम उसको फिर स्किप भी कर सकते हैं। लाइक पहली चीज़ जो हम देख रहे हैं वो है ऑक्यूपेशन में टास्क एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। व्हाट आर द टास्क एक्टिविटीज़, टास्क एक्टिविटीज़ बेसिकली एक्सप्लेन कर रही होती हैं कि हम बुनियादी तौर पे क्या काम कर रहे हैं उसमें। लाइक अगर हम टीचिंग की बात करते हैं तो इसके से रिलेटेड वेरियस टास्क आ जाते हैं, लाइक टीचिंग में प्रिपेयर करना, लेक्चर को डिलीवर करना, फिर असेसमेंट्स एंड मेनी मोर थिंग्स। तो व्हाट आर द बेसिक टास्क एक्टिविटीज़। एक बैंकर कुछ और कर रहा होता है, आपको एक वकील कुछ और करता हुआ नज़र आता है, तो उस स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन में व्हाट आर द टास्क एक्टिविटीज़। तो पहली असेसमेंट हमारी ये आ गई। दूसरी असेसमेंट जो हमारी आती है दैट इज़ द एबिलिटी एंड द ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स।
हमने तीन लफ्ज़ों को पढ़ा था, दैट इज नेम्ड एज KSA. के स्टैंड फॉर नॉलेज, स्किल्स फॉर एज फॉर स्किल्स, और ए फॉर एबिलिटी. और एबिलिटी हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. तो किसी भी टास्क एक्टिविटीज को करने के लिए हमारे पास एबिलिटीज क्या होनी चाहिए, या हमारी ट्रेनिंग किन एस्पेक्ट्स में होनी चाहिए. तीसरी चीज़ कि हर ऑक्यूपेशन के फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स फ़र्क होते हैं. मेडिकल के फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स आर इंटायरली डिफरेंट देन द टीचिंग प्रोफेशन. स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो टीचिंग एक अंडर पेड शोबा आपको नज़र आता है. सो व्हाट आर द फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स ऑफ दैट स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन, हमें इसको असेस करना पड़ता है. फोर्थ एस्पेक्ट इज द सिक्योरिटी इन दैट ऑक्यूपेशन, यानी हमारे पास जॉब से रिलेटेड सिक्योरिटीज़ क्या हैं. जॉब का टेन्योर कंटिन्यू रहना एक सिक्योरिटी में आता है. फिर उससे रिलेटेड रिवॉर्ड्स उनसे हैं, वो भी हमारी सिक्योरिटी को ऐड करते हैं. लाइक उसके साथ बेनिफिट्स लाइक पेंशन एंड मेडिकल, वो भी सिक्योरिटी को ऐड करते हैं. सो इसके अलावा फिर लाइफ सिक्योरिटी भी उसके साथ रिलेट कर रही होती है, कि कुछ शोबे ऐसे हैं जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग जो है आपको डेंजर्स उसको फेस करना पड़ता है. देन फिफ्थ एलिमेंट हमारा क्या है, दी सोशल रिलेशनशिप्स. हमारा सोशल सर्कल क्या होगा उस ऑक्यूपेशन में रहते हुए, मींस हमारे इर्द गिर्द के लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हो सकते हैं. छठा एस्पेक्ट हमारा आता है जी फिजिकल सेटिंग. फिजिकल सेटिंग हम जिसको कह रहे हैं कि वो तमाम फिजिकल एस्पेक्ट जिसमें हम काम कर रहे हैं, जैसे इनडोर एक फिजिकल सेटिंग है, आउटडोर जॉब एक फिजिकल सेटिंग है. बैठ के काम करना, खड़े होकर काम करना, रनिंग में काम करना, मतलब ये क्या है, उसमें मेहनत का कितना होना, ये तमाम चीज़ें फिजिकल सेटिंग में आती हैं. तो किसी भी ऑक्यूपेशन की फिजिकल सेटिंग्स आपकी क्या बनती हैं. और सातवां एस्पेक्ट लाइफस्टाइल कंसिडरेशंस, व्हाट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल वी माइट बी एबल टू अडॉप्ट. मेडिकल के शोबे में एक सबसे प्रॉब्लमेटिक आपको चीज़ नज़र आती है ना, दिन आपका ना रात आपका, और इफ़ यू गो बाय योर ओथ तो फिर इसका मतलब है 24 आवर्स यू आर देयर टू सर्व योर पेशेंट्स. तो लाइफस्टाइल हमारा क्या है, फिर उसके साथ लाइफस्टाइल में जो हमारे सोशल सेटिंग्स आ जाती हैं वो भी उसका हिस्सा हैं. पर्क्स जो हम ले रहे हैं वो भी लाइफस्टाइल कंसिडरेशंस का हिस्सा हैं. एंड देन हमारे पास आता है जी टाइम कमिटमेंट्स टू वर्क. एट्थ एलिमेंट जो है टाइम कमिटमेंट्स टू वर्क, जैसे हमने बात कर ली, इसको सब एलिमेंट कहना चाहें तो लाइफस्टाइल कंसिडरेशंस का हम कह सकते हैं. और नाइन्थ एलिमेंट हमारा या सब एलिमेंट ऑफ लाइफस्टाइल इज द वर्क रिलेटेड स्ट्रेस क्या होती है. तो ये ऑक्यूपेशन के करेक्टरिस्टिक आ गए. अब यहीं से हम दूसरे फैक्टर पे चले जाते हैं यहाँ पर, जो कि हमें नज़र आ रहा है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशंस. हर ऑक्यूपेशन में कई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम बात कर लेते हैं बैंक्स की, तो अगर UBL है तो ABL है, बैंक ऑफ पंजाब है. तो ऑक्यूपेशन बैंकिंग बना, लेकिन उस बैंकिंग ऑक्यूपेशन में कई ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं. उन ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे हमने स्टडी करना है. पहली चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से है वो है जी इंडस्ट्री आउटलुक हमारी क्या है, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस इन द होल ऑफ द इंडस्ट्री कैसा है. लाइक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं जिसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है. सो हमें ये देखना है कि हाउ डज दिस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट इनटू द इंडस्ट्री आउटलुक. दूसरा फैक्टर है जी फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल में, तो उसके लिए पेमेंट्स करना, उसके लिए हायर सैलरीज देना, बेनिफिट्स ऐड करना इतना मुश्किल नहीं है, और फ्यूचर भी थोड़ा सा आपको सिक्योर नज़र आता है. तो व्हाट इज़ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये दूसरा की फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए. तीसरा है जी बिजनेस स्ट्रैटेजीज हमारी क्या होंगी, व्हाट आर द डिफरेंट बिजनेस स्ट्रैटेजीज. ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है वो किस तरह की स्ट्रैटेजीज रखती है. जैसे हमारे पास डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अगर हम ब्रॉडर देखेंगे तो ग्रोथ की स्ट्रैटेजीज आती हैं, स्टेबिलिटी की आपको स्ट्रैटेजीज नज़र आती हैं, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज या रिन्यूअल भी कहते हैं रिट्रेंचमेंट की स्ट्रैटेजीज. तो ऑर्गेनाइजेशन किस फेज पे है अपने लाइफ साइकिल में और किस किस्म की स्ट्रैटेजीज को रन कर रही है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का इमेज जो आपके सामने क्रिएट होता है उसमें भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है. फोर्थ फैक्टर है हमारे पास जी करियर पाथ फ्लेक्सिबिलिटी क्या है. करियर पाथ हम किसको कहते हैं, हम फॉर इंस्टेंस ये मैं SPO था और मैं SPO से SSPO बन जाता हूँ, इसके बाद मेरे पास चॉइस है कि मैं फील्ड मैनेजर के तौर पे काम करूँ या इससे आगे फिर मैं चला जाऊँ रीजनल मैनेजर के तौर पे, या फिर मैं जोन में जा सकता हूँ जोनल मैनेजर, और जोनल मैनेजर से मैं मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट या सेल्स मैनेजर की पोस्ट ले सकता हूँ.
या मेरे पास यहाँ से है कि मैं ड्रिफ्ट कर जाता हूँ टुवर्ड्स द हेड ऑफिस और वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट में चला जाता हूँ। सो ये क्या हुआ, ये मेरा एक करियर पाथ बन गया। अब करियर पाथ कितना फ्लेक्सिबल है, आपके पास हायरार्किकल लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन में कितने हैं। जैसे फ़र्ज़ करते हैं अगर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये उसके आपको हायरार्किकल लेवल्स नज़र आ रहे हैं और एक और ऑर्गेनाइजेशन है और उसके ये हायरार्किकल लेवल नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास प्रमोशन के चांसेस कम हैं और यहाँ पे आपके पास प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हैं, मोर हायरार्किकल लेवल्स आते हैं। तो करियर पाथ की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। देन फिफ्थ एलिमेंट आता है जी, करियर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन आपकी ट्रेनिंग करती है, डेवलपमेंट करती है। जो हमने सेल्फ असेसमेंट टेक्निक्स आप पीछे देखी उसमें ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्राम्स भी थे, तो क्या वो प्रैक्टिसेस रखती हैं, वो पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन की हैं या नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन की एक रेपुटेशन डेवलप करने में हमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिक्स फैक्टर हमारा आता है साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का ये हायरार्किकल लेवल्स कैसे काम कर रहे हैं, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर। एट टाइम्स आपके लिए स्ट्रक्चर सूटेबल होते हैं और एट टाइम नहीं होते। एंड लास्ट एस्पेक्ट इज द व्हाट इज़ द रिवॉर्ड सिस्टम दैट दे आर फॉलोइंग। जैसे हम एक करते हैं सेल्स इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल सेल्स इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक हमारे लिए, तो जो भी काम करने वाले लोग हैं सेल्स प्रमोशन ऑफिसर्स, वो ये देखते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का रिवॉर्ड सिस्टम क्या है। इवन लोअर सैलरी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना पसंद करते हैं जो मोर रिवॉर्ड देती हैं रिगार्डिंग इंसेंटिव्स एंड मतलब क्वार्टरली इंसेंटिव क्या है, ईयरली इंसेंटिव्स क्या है, और उसकी बेस के ऊपर वो जॉब्स कर रहे होते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशंस होगी और ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होती हैं जॉब्स, जॉब्स हमारा तीसरा फैक्टर, हम उसको कंसिडर करते हैं कि जॉब की एक दूसरे में डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स रखती हैं। अब जॉब के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, लाइक हमारे पास टास्क वैरायटी क्या है, इसके हवाले से हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये जो जॉब का डिफरेंट एलिमेंट है इसको हम जब इकट्ठा करते हैं तो हमारा क्रिएट होता है, इसको हम कहते हैं जॉब डिज़ाइन, कि आप जॉब के डिफरेंट एलिमेंट्स को किस तरह से गैदर करते हो कि वो जॉब इंटरेस्टिंग हो। सो इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे डिफरेंट लेक्चर के हवाले से। सो टास्क वैरायटी क्या है, कि हमें कितने मुख्तलिफ किस्म के काम करने पड़ते हैं, हमारे टास्क की इंपॉर्टेंस क्या है, कि कितनी कंट्रीब्यूशन हमारी नज़र आती है उसमें, हमारे पास एबिलिटी या ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, पहले देख चुके हैं। फाइनेंशियल रिवॉर्ड जॉब के क्या हैं, उसकी सिक्योरिटी क्या है, सोशल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, फिजिकल सेटिंग क्या होती है, लाइफ स्टाइल कंसिडरेशन लाइक टाइम कमिटमेंट्स टू वर्क, वर्क स्ट्रेस क्या है, अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस और ऑटोनमी यानी हमारी डिसीजन मेकिंग राइट्स कितने हैं, कि हम अपने काम को अपनी मर्जी से मोल्ड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट लेटर जो कहलाता है, ये कहलाता है जॉब क्राफ्टिंग। सो वो चांसेस आपके पास कितने हैं, रिलेशन ऑफ जॉब्स टू अदर जॉब्स हमारा क्या नज़र आता है। सो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हम उस जॉब में असेस कर सकते हैं वाइल असेसिंग द ओवरऑल एनवायरनमेंट। ये तीन एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपको ऑक्यूपेशन ऑर्गेनाइजेशंस और जॉब से रिलेट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर हमने ये तीनों बहुत अच्छे कर लिए और हमने एक जॉब ले ली, फॉर इंस्टेंस इफ आई गॉट एन ऑप्शन टू वर्क इन ब्लैकबेरी कनाडा और मैं इंजीनियर हूँ और मुझे बहुत अच्छा काम मिल रहा है और बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन मैं अपने फैमिली में अकलौता बेटा हूँ और आई मूव टूवर्ड्स कनाडा और 6 महीने बाद मुझे पता लगता है कि वालिद साहब बीमार हैं तो देर इज़ नो वन एल्स कि वो केयर कर सके, तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे वापस आना पड़ेगा। तो क्या ये जानते हुए कि मैं इकलौता बेटा था, शुड आई हैव मूव टूवर्ड्स दैट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑक्यूपेशन ऑर्गेनाइजेशन और जॉब के जो तमाम करेक्टरिस्टिक्स थे वो सब तो वहाँ पर पूरे हो रहे थे, लेकिन एक कंसिडरेशन मैं भूल गया था कि क्या वर्क लाइफ बैलेंस रिगार्डिंग माई फैमिली रिक्वायरमेंट्स वहाँ पर मैं कर सकता हूँ या नहीं, और अगर मैं इसको देखता तो इस नीड को समझते हुए शायद मैं कोई और चॉइस लेना चाहता रादर देन गोइंग फॉर द ब्लैक बैरी। फैमिलीज के साथ हमें क्या चीज़ें देखनी हैं, ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि हम इन कंसिडरेशंस को क्या देखते हैं। पहली चीज़ तो आगे स्पाउस करियर एस्पिरेशंस, कि मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मेरी स्पाउस जो है, चाहे मेल फीमेल दोनों साइड पे आप देख सकते हैं, वो करियर में कहाँ पर हैं या वो करियर को कैसे लेकर चलना चाहते हैं, इज़ शी अ हाउस वाइफ और शी इज़ अ वर्किंग वूमेन, तो वो अपने करियर को कहाँ पर प्रोग्रेस करना चाहती है और मेरे करियर का ताल्लुक उनके करियर से किस तरह से जुड़ता हुआ नज़र आता है। फिर अपने स्पाउस की इमोशनल नीड्स क्या हैं, वो नियरनेस भी हो सकती है, वो लव एंड केयर भी हो सकती है, उसको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, बिकॉज फ्यू ऑक्यूपेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब्स रिक्वायर मोर टाइम, तो शायद हम वो इमोशनल नीड्स फुलफिल ना कर सकें तो वर्क और लाइफ में बैलेंस पॉसिबल नहीं रहेगा।
फिर हमारे जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनकी इमोशनल नीड्स क्या होती हैं, अदर फैमिली मेम्बर्स नीड्स, जैसे पाकिस्तान जैसे इन्वायरमेंट में हमारे वालदैन अदर फैमिली मेम्बर्स में बहुत प्रायोरिटी के ऊपर आते हैं, तो उनकी नीड्स हमारी क्या हैं, और इफ़ यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम तो हमारा रोल वहाँ पर क्या हो सकता है। देन फैमिली की फाइनेंशियल नीड्स क्या हैं। बहुत सारे लोग जो बाहर काम कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि जी क्या करें, पैसे कमाना है ना। क्यों कमाना है? क्योंकि घर का पेट भी तो पालना है। तो फैमिलीज जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए यू हैव टू मेक मैनी हार्श डिसीजन एज वेल। देन जी फैमिलीज डिज़ायर्ड लाइफस्टाइल हमारा क्या होगा, कि हम किस अंदाज में अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं। फैमिली स्टेज क्या है, ये सिंगल हो सकते हैं, हम सिंगल होने के बाद मैरिड हो सकते हैं, टू मैरिड विद प्लस टू चाइल्ड, मैरिड प्लस टू चाइल्ड प्लस टू अदर मेंबर्स, जैसे कि हमारे साथ पेरेंट्स भी रहते हैं, तो ये हमारी फैमिली स्टेज डिफर कर सकती है, उसकी कंसिडरेशन भी हमारे लिए एक लाजमी एलिमेंट है। एंड सेल्फ एंड स्पाउस करियर स्टेजेस आपकी क्या है, कि आप अपने करियर में किस स्टेज के ऊपर हैं और आपकी फैमिली स्पाउस आपके करियर में किस स्टेज पे है। सो इट विल हैव एन स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट अपॉन योर डिसीजंस ऑफ करियर चॉइस। सो ये वो फैक्टर्स हैं जिसको हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सो इन सब चीज़ों को अगर हम समराइज़ करें तो ये फैक्टर्स हमारे लिए ज़रूरी हैं, बिकॉज इन्हीं फैक्टर्स के साथ हम फिर मैच क्रिएट करना चाहते हैं विद द सेल्फ, और सेल्फ में जो टैलेंट्स हैं, हमारे इंटरेस्ट हैं, हमारी पर्सनालिटी के फैक्टर्स हैं, इसको हम मैच करते हैं कि हमारी साथ और हमारा जो करियर है वो इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब्स आपस में मैच करता है या नहीं करता, और उसी की बेस के ऊपर हम अपने फाइनल डिसीजन चॉइसेस की तरफ जा सकते हैं। जो हमारे पास हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि तमाम जॉब्स जो हैं वो अपने आप में ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्टेड नज़र आती हैं। तो जब भी हम किसी जॉब की तरफ जाना चाह रहे हैं, फर्स्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं, या हम कहीं पे करंटली एम्प्लॉयड हैं, तो हमें कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करना है। पहली चीज़ ये है कि हमारी आउटलुक ऑफ द इंडस्ट्री कैसी है, दूसरी फाइनेंशियल हेल्थ, जैसे हमने कहा कंपनीज, बिजनेस स्ट्रेटजीज, ऑर्गेनाइजेशन साइज जिसको हमने डिस्क्राइब किया, डिफ किस तरह से करती हैं दूसरी से, और इम्पॉर्टेंस दे प्लेस ऑन वेरियस फाइनेंशियल सोशल इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस अपनी पॉलिसीज में डिफर करती हुई नज़र आती हैं। सो ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हमने एक्सप्लोर करना होता और हमने इन चीज़ों को इन डीप असेसमेंट के साथ देख भी लिया। सो इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज रिगार्डिंग दिस लेक्चर, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, एंड वी डेफिनेटली वुड लव टू आंसर दोस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a nice time. Allah Hafiz.